हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आए। और भी वीडियोस हैं उन्हें भी देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे लाके ऑन कर दीजिए जिससे सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के एक और सिम्टम के बारे में जो होता है एसिडिटी या हार्ट बर्न या जलन पैदा होना, जो प्रेगनेंसी के टाइम जो मदर्स हैं, जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा कॉमन है। इतनी जलन होती है, कई बार यहाँ ऐसा लगता है कि बिल्कुल जल जाएगा, और मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस ऐसा रहा है तो मैं उसके बारे में ज़रूर बात करूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं अगर अपनी प्रेगनेंसी की बात करूँ, ड्यूरिंग थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी बहुत स्मूथ प्रेगनेंसी थी, मैं एक्टिव थी, एवरीथिंग वॉज फाइन, सिवाय एक चीज़ के कि मुझे जो है जो वॉमिटिंग है वो मुझे थ्रू आउट प्रेगनेंसी 9 मंथ हुई, इवन डिलीवरी से आधा घंटे पहले तक भी मुझे वॉमिट हुआ है। तो मुझे वॉमिटिंग की बहुत प्रॉब्लम रही है, जैसे सब बोलते हैं कि 3 महीने में ठीक हो जाएगा, 4 महीने में, नहीं, मेरा पूरा थ्रू आउट प्रेगनेंसी मुझे वॉमिटिंग रही, जिसकी वजह से जो हार्टबर्न और एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है जो फीमेल्स को होती है वो मुझे कंपैरेटिवली मुझे ऐसा लगता कि और फीमेल से थोड़ी ज़्यादा रही, क्योंकि वो मेरी ठीक ही नहीं हो पाती थी, इतने थोड़ा रिलीफ होता था फिर ज़्यादा वॉमिट हो जाता था। तो और मुझे नॉर्मल भी एसिडिटी की प्रॉब्लम रही उस टाइम पर, क्योंकि अगर मैं कुछ उल्टा सीधा नहीं भी खाती थी तो भी मुझे जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो भी मेरी वॉमिट आउट हो जाती थी, जिसकी वजह से एसिड यहाँ पर आकर पूरा एसिडिटी करता था। तो ये तो सारी मेरी प्रेगनेंसी की बात हुई, कुछ चीज़ें मैंने फॉलो की तो मैं उनके बारे में आपसे बात करूँगी। आपका डॉक्टर डेफिनेटली आपको एंटासिड्स वगैरह टैबलेट्स होती है, मैंने एसिलॉक खाई थी, तो ऐसी टैबलेट्स आपको प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर्स जो कि एसिडिटी के लिए होती हैं। बट अगर मैं अपनी बताऊँ कि तुम मुझे तो इतनी ज़्यादा थी कि मैं सुबह शाम दोनों टाइम भी लेती थी, उसके बाद भी मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती थी। तो मैंने कुछ कुछ चीज़ें फॉलो की जिसकी वजह से मुझे बहुत रिलीफ मिला, तो वो आज मैं आप लोगों को शेयर भी करूँगी और बोलूँगी कि आप डेफिनेटली उन्हें फॉलो कीजिए। तो सबसे पहला आपको क्या करना है कि बहुत लंबे टाइम तक खाली पेट नहीं रहना है फीमेल्स को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर हम नॉर्मल केस में भी ज़्यादा देर खाली पेट रहते हैं तो हमें एसिडिटी हो सकती है, तो लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम तो फ्रीक्वेंट मील्स लीजिए, ज़्यादा लंबे समय तक खाली पेट मत रहिए, और बीच बीच में थोड़े थोड़े टाइम के बाद आप क्या कीजिए, कुछ ना कुछ खा लीजिए। ज़रूरी नहीं हैवी मील्स खाइए, आप नॉर्मल कुछ स्नैक्स वगैरह भी ले सकते हैं, कोई फ्रूट ले सकते हैं, बट थोड़े थोड़े टाइम बाद कुछ ना कुछ खाते रहिए। जो आपके मील्स हैं उनको आप 3 हैवी मील्स लेने की जगह 6 मील्स में डिवाइड कर दीजिए, ये सेकेंड टिप है। हैवी मील्स को 6 मील्स में डिवाइड कर दीजिए, मतलब थोड़े थोड़े घंटे के बाद, 2 घंटे 3 घंटे के बाद कुछ ना कुछ खाइए, रेदर देन एक ही बार में बहुत सारा खाने के, उसकी वजह से भी आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट आप जो है अपनी डाइट में जो स्पाइसेस हैं, तला भुना है, उसको थोड़ा कम कर दीजिए। कुछ चीज़ें आपको खा के पता चल जाएगी कि हाँ भाई मुझे इन चीज़ों से डेफिनेटली प्रॉब्लम होती है, तो उन चीज़ों को मैं आपको बिल्कुल एडवाइस करूँगी। उन चीज़ों को थोड़े टाइम पीरियड के लिए आप डेफिनेटली छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है प्रेगनेंसी ऐसा नहीं है कि लाइफ लॉन्ग है, 9 मंथ्स का ही पीरियड है, प्रॉब्लम कर रहा है, क्यों खानी है वो चीज़ें, तो बिल्कुल मत खाइए उस टाइम पे। मैं भी ऐसी करती थी, जिस चीज़ को मुझे लगता था ये मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है उसको तो मैं बिल्कुल नहीं खाया मैंने उस पीरियड में। उसके अलावा जो आपके घर में नॉर्मल चीज़ों में भी मसाले डलते हैं, अगर आप ये चेक करेंगी तो आपको ऐसा लगेगा कि जो उसमें हम जो लाल वाली मिर्च डालते हैं उससे एसिडिटी बहुत होती है, तो लाल मिर्च को बिल्कुल मैंने डलवाना बंद कर दिया था। आप उसकी जगह अगर मिर्च की शौकीन है तो हरी मिर्च को कटवा के डाल सकते हैं, बट लाल मिर्च को कम्प्लीटली बंद कर दीजिए। एक और बहुत इफेक्टिव टिप है जो उस टाइम पे बहुत काम आती है, आप जो है कभी कभी ठंडा दूध पी सकती हैं, समर्स में तो पी ही सकती हैं, विंटर्स में नहीं मैं एडवाइस करूँगी, बट आप समर्स में ठंडा दूध पी सकते हैं, उससे भी एसिडिटी में बहुत रिलीफ मिलता है। के अलावा एक जो सबसे इफेक्टिव टिप है कि जिस टाइम आप रात को सोती हैं, क्योंकि मुझे पता है कि उस टाइम पे बहुत एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है और रात के टाइम तो वो इतनी वर्स हो जाती है कि सोना भी मुश्किल हो जाता है, तो सबसे पहली बार जब आप सोती हैं तो ट्राई कीजिए कि आपकी जो ये अपर बॉडी है उसके पीछे आप कुछ पिलो या कुछ लगा के तो उसे थोड़ा सा ऊँचा कर लीजिए उस एरिया को, तो जिससे जो एसिड यहाँ आना था वो यहाँ ना आके नीचे ही रहेगा, तो आपको वो भी आराम देगा। एक और क्या आप चीज़ कर सकती हैं कि आप लेफ़्ट साइड करवट लेके सोइए। अब साइंटिफिकली भी इसका क्या रीज़न है, जो लेफ़्ट साइड है, जब हम लेफ़्ट साइड करवट लेके सोते हैं तो जो हमारा स्टमक है उसका जो कर्वेचर है और उसके बाद जो हमारा ईसोफेगस, जो हमारा फूड पाइप है जहाँ से वो एसिड ऊपर आके जलन कर सकता है, वो इस तरह से पड़ता है, इस तरह से उनकी पोजिशन हो जाती है कि वो नीचे स्टमक होता है और ऊपर ईसोफेगस पड़ता है, तो ऐसे ऊपर ज़्यादा नहीं आ पाता। बट जब आप राइट साइड करवट लेके सोती हैं तो वो कुछ इस तरह हो जाता है, और अगर ये स्टमक है तो वो उसमें से नीचे एसिड ज़्यादा आता है, तो वहाँ पे ज़्यादा जलन होती है,
तो आप नोटिस कीजिएगा, जब आप लेफ्ट साइड करवट लेके सोंगी तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम डेफिनेटली कम रहेगी। लेफ्ट साइड करवट लेके सोइए, बच्चे के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है प्रेगनेंसी में अगर आप लेफ्ट साइड सोती हैं करवट लेके। साथ ही साथ अगर आप उस टाइम पैर के नीचे हल्का सा तकिया लगा लेती हैं तो पैरों की सूजन भी कम रहती है, और साथ ही साथ जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो भी बिल्कुल नहीं होती, डाइजेशन वगैरह भी अच्छा होता है, और आपके बच्चे के लिए तो वो बेस्ट पोजिशन है। इन सारे टिप्स के अलावा भी अगर आपको हेल्प नहीं मिलता है तो आप ट्राई कीजिए थोड़े थोड़े टाइम बाद। मुझे पता है सब बोलते हैं प्रेगनेंसी में वॉक कीजिए कीजिए, बट आपकी बॉडी ऑलरेडी कई बार टायर्ड होती है, मन नहीं करता है, बट अगर आप कर सकती हैं तो हमेशा मील के बाद 10 मिनट्स की वॉक या 5 मिनट्स की वॉक हल्की सी कर लीजिए, जिससे आपको अच्छा फील होगा। दूसरा, कभी भी जो है जब आप खाना खा रही हैं उसके एकदम इमीडिएटली बाद पानी मत पीजिए, वो भी इफेक्टिव नहीं होता क्योंकि वो डाइजेशन को कम कर देता है और इनडाइजेस्टेड फूड से एसिडिटी और ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। तो ये सारी टिप्स हैं, इनको आप फॉलो कीजिए, ये बहुत इफेक्टिव है, इससे एसिडिटी की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। जनरली एसिडिटी की प्रॉब्लम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्योंकि वॉमिट होता है उस टाइम पे, और लास्ट ट्राइमेस्टर में तो बहुत ज़्यादा, मतलब 7th, 8th, 9th मंथ में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बट इन चीज़ों को जो मैं आपको बता रही हूँ, इसको आप फर्स्ट डेज ऑफ प्रेगनेंसी से लेकर, मतलब जब आपको पता चला तब से लेकर अगर फॉलो करेंगी तो आपको एंड में आते आते प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको बहुत सूदिंग प्रेगनेंसी जाएगी। तो क्योंकि आप ये देखिए कि मुझे 9 महीने जो है वॉमिटिंग की दिक्कत थी, उसके बाद भी मेरी प्रेगनेंसी बहुत सूदिंग थी क्योंकि मैं बीइंग डॉक्टर जानती थी कि मुझे क्या क्या करना है, उसको कैसे ठीक करना है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कोई वीडियो चाहते हैं किसी टॉपिक पे तो कमेंट कर दीजिए, मैं उस पे डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगी आपकी जो क्वेरीज हैं उनके ऊपर। और मेरे चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे लाके ऑन कर दीजिए। So thank you so much.